देख रहे तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो अभी जा रहे हैं हम लोग कोटेश्वरा टेम्पल, जो कि हमारे यहाँ का कर्नाटका का फेमस टेम्पल है, और महाशिवरात्रि है। आज घूमने के लिए सारे लोग जा चुके हैं, जाके आप लोगों को दिखाएंगे। तो हम लोग ये जा रहे हैं, आप नहीं बताओ तो यहाँ नहीं जा रहे भाई। ये देख क्या क्या हुई है पहला बोल के। देख लीजिए यहाँ कितना सारा आपको कार दिख रहा है। तो हम लोग अभी 2 किलोमीटर पीछे हैं, लेकिन इतना कार दिख रहा है तो सोच सकते हैं कार। और आप आपको इधर से दिखाती हूँ, देख लीजिए। इतना भीड़ है, देख लीजिए दोस्तों, वो टेम्पल का वो दिख रहा है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, पार्किंग देख, पार्किंग देख, कार देख, पार्किंग देख, खुला है। देख लीजिए दोस्तों कितना ज्यादा बाइक है, कार है बहुत सारा। और यहाँ जो हम लोग पहले आए थे वही टेम्पल है। तो फार्म के सभी लोग आए हैं जो आप लोगों को दिखाएंगे। तो देख लीजिए दोस्तों कितना भीड़ है मेला में। ए बुआगो, पैसा दो रे। करेले मजाक। ये देख लीजिए मोनू और ये अनुपमा। ए मोनू उसका पप्पा और मैं इधर। ये मैं कैसे चोरी होंगे। कोई करोना हो रहा नहीं है, बढ़िया में जलेबी देखा है वाला हां, लेकिन देखे जरूर होगा ई सही। ले दूं मम्मी, ए एकोड़ा उसने मेहंदी लगाबो का मजा दी। किसने मेहंदी? उसने मेहंदी मेरा तो देख के सियाना का वाला। गांधी जी खड़े हैं बाजू में। ज़्यादा भीड़ होने के वजह से जाने नहीं मिल रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग बाहर में ही हैं, हमारे पूरे मतलब फार्म के लोग हैं इधर और आगे भी हैं। देख लीजिए ये देख मिनी लोग, उसकी दादी। ओ मम्मी सकेगा जान सोझे टिंग टिंग आ तू जाने। हाँ
गम में अनुपमा बैठी है, देख लीजिए, बहुत ही चिंतित है। और यहाँ का व्यू देख लीजिए। दोनों बाप बेटे खा रहे हैं। चीज 50 रुपए में मिल रहा है दोस्तों, काफी ज्यादा कमाई हो रहा है, हमारा नहीं दूसरों का। सो फ्रेंड, आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्या कर रही हूँ, तो पीछे एक आंटी की कोई बच्चा खो गया है, जिसके वजह से अनाउंसमेंट हो रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आरती, देख लीजिए। सो फ्रेंड, अनुपमा अभी शूट कर रही थी मेरा, देख लीजिए, मेला घूमने आए, थोड़ा यहाँ पे खाली है। इधर मेन गेट, तो फ्रेंड हम लोग आ गए हैं मेला से घर। और उसके बाद जो वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, रथ टाइप का बना हुआ था, उसके जस्ट बाजू में दुकानें लगी हुई थी, तो पीला कलर का जो त्रिपाल लगा हुआ था तो उसी दुकान का बच्चा है। बाद में हम लोग आधा पौन घंटा तक कम से कम वहाँ खड़े रहे, लेकिन मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। उसकी माँ इतना रो रही थी, जो पीछे तरफ आंटी अनाउंसमेंट में बोल रही थी डिम्पल, तो फर्स्ट टाइम में तो हम लोगों को पता नहीं था कोई बड़ा बच्चा खो गया, वो ऐसे लग रहा था। बाद में हम लोगों को लास्ट टाइम में पता चला कि बड़ा बच्चा नहीं है, 1 साल का बच्चा है। और मैं यहाँ पर उसका फ़ोटो लगा दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो कर्नाटका जो कोलार के पास पड़ता है, ये KGF कोलार के पास में कोटिलिंगेश्वरा फेमस मंदिर है यहाँ का, कोटिलिंगेश्वरा। तो उस मंदिर, मतलब जिस दिन महाशिवरात्रि था, आज तो 2 दिन बाद में वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो महाशिवरात्रि के दिन में बच्चा खो गया। और 2 दिन तक यहाँ सर्वर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था, बिल्कुल किसी का भी नेट नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, 1 साल का बच्चा कोई उठा के ले गया है, उसके दुकान में ही खेलते रहता था हमेशा, तो कोई उठा के ले गया, क्योंकि बच्चा अगर इधर उधर होता तो कहीं भी मिल जाता। मेले में एक एक जगह हर, मतलब 10-15 लोग से ज़्यादा लोग ढूंढ रहे थे, सारे पुलिस वाले ढूंढ रहे थे, लेकिन बच्चा नहीं मिल रहा था। तो आप लोग बिलीव नहीं कर सकते, उसको कोई ले गया है उठा के, अगर मेले में होता तो ज़रूर मिल जाता, किसी ना किसी को तो मिलता ही, जब इतना अनाउंसमेंट हो रहा है, सब तरफ ढूंढ रहे हैं लोग, तो उसको कोई उठा के ले गया है बच्चे को। उसके मम्मी पापा का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा परेशान थे वो लोग। तो मैं हमेशा रास्ता भर यही दुआ करते आई, मैं तो उसके माँ को देख के इतना मेरे को रोना आ रहा था, मैं वहाँ पे आधा घंटा तक खड़े होकर बस वही कर रही थी, रो रही थी। तो हम बोल सकते हैं, लेकिन मिल जाए बस वही दुआ करेंगे। अब अगर कभी फिर से जाना हुआ तो मैं ज़रूर पूछूँगी कि उनका बच्चा मिला कि नहीं। बहुत ज़्यादा दुख का बात है ये कि कोई इतना छोटा सा बच्चा खो जाए तो माँ बाप को कितना तकलीफ़ होगा, आप लोग समझ सकते हैं, है ना। तो इसी वजह से, तो
सब लोग दुआ कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर उनका बच्चा नहीं मिला होगा तो मिल जाए, अगर इस वीडियो के ज़रिए से कोई देखे तो। बस इतना आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और किसी का तकलीफ मुझे अच्छा नहीं लगता देखने के लिए, तो सोचा मैं वीडियो में फ़ोटो डाल दूँगी। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ में। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस इतना आप लोगों से रिक्वेस्ट है।